हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ 1 मार्च और आज की एक वीडियो बहुत स्पेशल बनाई जा रही है क्योंकि आपको कुछ बताना है। सो फ्रेंड्स, बात यह है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू क्लास क्लास एंड दिस क्लास इज़ गोइंग टू बी स्पेशल समर क्लासेस। वी आर गोइंग टू कॉल इट स्पेशल समर क्लासेस। इन दिस क्लास व्हाट विल हैपन दैट विल एवरी डे प्रोवाइड सम 3-3.5 आवर्स क्लासेस। तो क्लास का कुछ पैटर्न ऐसा होने वाला है कि ये क्लास 2 महीने की क्लास होगी। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव हम इसमें इंग्लिश पे काम करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन करना चाहते हैं उनको मैं बता दूं बहुत जल्दी में कि क्या एग्जैक्टली आप इसमें सीखने वाले हैं। देखिए, रोज़ आपकी लगभग 3-3.25 घंटे की क्लास होगी, जैसे स्कूल्स में जनरली होता है। इतनी लंबी क्लासेस स्कूल और कॉलेजेस में ही होती हैं। जनरली इंग्लिश के इंस्टीट्यूट में अगर आप देखिए तो क्लासेस 45 मिनट्स या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे की क्लासेस होती है एक दिन में। तो वो एक दिन में एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं, इस वजह से जो क्लास की ड्यूरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे हमारा प्लान ये है कि हम ड्यूरेशन को कम करना चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ समर में ही क्लासेस कर पाते हैं क्योंकि आफ्टर 12th जनरली दे गेट एडमिशन इन कॉलेजेस एंड देन दे डोंट हैव टाइम टू कम बैक एंड कंटिन्यू देयर क्लासेस। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने ये सोचा कि कुछ प्लान किया जाए। एंड ऑफ कोर्स जब आप किसी चीज़ को थोड़ा इंटेंस तरीके से करते हैं तो फ़र्क अलग ही दिखता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए 3 घंटे की क्लास हम रोज़ कराएंगे, जिसमें पहले 1 घंटे में तो हम आपको ग्रामर पे मेहनत करवाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी ग्रामर, अच्छे अच्छे लोगों की ग्रामर में प्रॉब्लम होती है, तो हम उनके फर्स्ट 1 घंटे पे उनके ग्रामर अगर बिल्कुल शुरू से करना है तो शुरू से करवाएंगे। और अगर ऐसा लगा कि भाई उनको एडवांस ग्रामर की ही ज़रूरत है तो एडवांस ग्रामर ही कराएंगे। लेकिन पहला 1 घंटा पूरा होगा इंटेंसिव एक्सटेंसिव ग्रामर फॉर्मूलाज पे, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस। ये पार्ट जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उनको भी बहुत हेल्प करने वाला है। अब आइए 2nd घंटे में, हम 2nd आवर में रोज़ स्टूडेंट से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ पढ़वाएंगे। और उसके जैसे अगर कोई बिगनर आता है तो बिगनर को हम इनिशियल स्टेज में बहुत लाइट बुक से स्टार्ट कराते हैं, जैसे चिल्ड्रन स्टोरी से शुरू कराएंगे अगर स्टूडेंट ने कभी इंग्लिश नहीं सीखी है। जैसे जैसे स्टूडेंट का लेवल बढ़ता जाएगा, हमारी बुक्स का लेवल भी बढ़ता जाएगा, तो एक टीचर पर्सनली रोज़ बैठ के स्टूडेंट को पढ़ना सिखाएगा। क्योंकि जो मैंने अपने इतने साल के करियर में, 15-17 साल के करियर में देखा है कि स्टूडेंट्स को पढ़ना ही नहीं आता। अगर पढ़ना नहीं आता तो बोलना कैसे आएगा। तो हम उनको पढ़ना सिखाएंगे, वर्ड की प्रोनंसिएशन कैसी होती हैं, उनको कैसे पढ़ा जाता है, कौन से वर्ड साइलेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम 2nd जो आवर है उसके अंदर करेंगे। ये चीज़ हेल्प करेगी आपको एक बेहतरीन स्पीकर बनाने में, क्योंकि एक अच्छा स्पीकर वही होता है जो बहुत पढ़ता है। और मेरे को लगता है ज़्यादातर जो नॉन नेटिव जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट स्कूल्स के होते हैं, जिन्होंने इंग्लिश बचपन से नहीं पढ़ी होती है, वो नॉर्मली इंग्लिश क्लासेस तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन वो इंग्लिश पढ़ना कभी नहीं सीखते हैं। वो सिर्फ कुछ कम्युनिकेशन के वर्ड सीखते हैं, वहाँ पे उनको सेंटेंसेस कुछ बनाने आ जाते हैं, लेकिन उनकी इंग्लिश कभी भी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है कि वो लिटरेचर पढ़ सकें, वो न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स रोज़ पढ़ सकें। ओकेजनली पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नहीं पढ़ते। कई इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है, उनको न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाया जाता है, लेकिन उनको इतना इंटरेस्टेड नहीं बनाया जाता इन चीज़ों में कि वो कंटिन्यू कर सकें क्लासेस छोड़ने के बाद। इसका एक रीज़न ये भी है कि उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रीडिंग पे नहीं होता, स्पीकिंग पे फोकस होता है। जैसा कि हम ज़्यादातर इंस्टीट्यूट क्लासेस में देखते हैं कि वहाँ लिखा ही होता है कि जॉइन स्पोकन क्लासेस, तो उनका प्राइमरीली जो फोकस होता है वो स्पोकन पे होता है। तो इस सेगमेंट में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग कैसे कर सकते हैं। अलग अलग जो राइटर्स हैं उनसे हम आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। और इस पार्ट में ही मेरा प्लान ये भी है कि हम आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बताएंगे कि एक पूरी इंग्लिश शुरुआत कैसे हुई। ये वाला सेक्शन उन सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करने वाला है जो इंग्लिश ऑनर्स या इंग्लिश एमए लेने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्योंकि जनरली जब आप इंग्लिश एमए एकदम से आप गवर्नमेंट स्कूल से निकलते हैं, किसी भी स्कूल से अगर आप निकले और अगर आप इंग्लिश ऑनर्स की प्लानिंग करते हैं या इंग्लिश एमए की प्लानिंग करते हैं, तो
पहले कुछ महीने तो इसी बात में निकल जाते हैं, उनको ये सीक्वेंस समझ नहीं आता, क्रोनोलॉजी समझ नहीं आती कि कब क्या हुआ, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, इम्पॉर्टेंट राइटर्स कौन से थे, कौन सी एज में क्या क्या चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। और ये जो सेकंड सेगमेंट है, ये हम ब्रॉडर तौर पे बोलें तो आपकी ओवरऑल इंग्लिश लैंग्वेज को लेके आपकी जानकारी बहुत अच्छी करेगी। अब आइए, लास्ट के एक घंटे में हम आपको क्या कराने वाले हैं, लास्ट के एक घंटे में हम आपको ज़्यादातर आपके साथ कॉन्वर्सेशन रखेंगे, हम अलग अलग एक्टिविटीज़ कराएंगे जिसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल, तो रोज़ ही हम आपको एक घंटे की प्रैक्टिस कराएंगे, एक सवा घंटे की प्रैक्टिस कराएंगे जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करें, ग्रुप एक्सरसाइजेस करें, टीचर्स के साथ बात करें, टीचर आपको करेक्ट करते रहेंगे, वो आपको इनकरेज करते रहेंगे कि ये सेंटेंस ऐसे बोला जाना चाहिए, इसका क्या राइट एप्लीकेशन है। तो मैं आपको एक ओवरऑल बस मैंने आइडियाज़ बताने की कोशिश की है कि इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम एग्जैक्टली क्या करवाने वाले हैं। और जो भी आप में से फ्रेंड्स इंटरेस्टेड हों, आप जानना चाहें डिटेल्स की इसमें और क्या क्या हो सकता है, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए या मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आप नियर बाय हैं, आप दिल्ली में कहीं भी रहते हैं, तो ऑफ़ कोर्स आप आ सकते हैं, आप हमारी क्लासेस ज्वाइन करके देखिए, हमारे फीडबैक देखिए आप कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स जो पिछले कई वर्षों से, लगभग 15 साल से हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है, 15-17 साल से, आप देखिए कि जो यहाँ से लोग पढ़ के गए हैं उनका फीडबैक क्या है। क्योंकि अब तो ये एक मैसेज था मेरे उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, और सिर्फ सीखना ही नहीं चाहते, वो इंग्लिश को लेके पैशनेट हैं, वो इंग्लिश को लेके बहुत एक्साइटेड है। तो ये एक हम नई स्टार्टिंग कर रहे हैं, आप अपने फीडबैक भी प्लीज़ मुझे दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ हमें ऐड करनी चाहिए, और अगर आपको लगता है कि भाई ये बात अगर इसमें और सिखाई जाए तो बहुत बढ़िया है, और हम ज़रूर आपके इन फीडबैक्स का स्वागत करेंगे। थैंक यू सो मच। द श्राइन ऑफ इंग्लिश, ऑल द लर्नर्स ऑफ इंग्लिश।